वेलकम बैक रॉकर्स, स्वागत है आपका द कर्ट्स मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पुलिस वालों ने किसी के घर को घेर रखा होता है। वो एक डरे हुए आदमी को उसके घर से बाहर निकालते हैं। उसके चेहरे में बड़े बड़े छाले भी हो रखे होते हैं, बिल्कुल जंगलियों की तरह दिख रहा होता है। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और उसको कार में बैठा कर लेके चल जाते हैं। वो उसको शहर की ओर से ले जा रहे होते हैं, तो वो अपने पड़ोसियों को बेवजह पानी में चींटी मारते हुए और पाइप से पानी पीते हुए देखता है। फिर वो आदमी उनको खतरे की चेतावनी देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। अब 6 महीने पहले दिखाते हैं कि टेनेसी में एक खेती करने वाला परिवार अपनी आम जिंदगी जी रहा होता है, जबकि सबसे छोटा बेटा जैक मैदान में गाय का गोबर इकट्ठा कर रहा होता है और उसका सौतेला भाई सारस उसके पीछे बैठकर उसको देख रहा होता है। और फिर मजे के लिए सारस अपने भाई को गोबर की गाड़ी में धक्का देता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उनके पिता नाथन उनको लड़ने से रोक देते हैं। वो अपने सौतेले बेटे को गाली गलौज करने के लिए पीटते हैं और उनको भाईचारा बनाने के लिए बाइबल की कुछ लाइन बताते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को उसकी हरकत पर नहीं डांटता, जिसके बाद वो परिवार को नाश्ते के लिए बुलाता है। फिर खाने की टेबल पर नाथन एक प्रार्थना करता है और अब फ्रांसिस, जो कि जैक और एलिस की माँ है, वो अपने नौकर को बुरी नजरों से देख रही होती है। नाथन अपनी पत्नी को बताता है कि जो पाइज उसने बनाई है वो बहुत ही सूखी है, इसलिए वो उसको वापस खाने की प्लेट में रख देता है। और इस बात से फ्रांसिस को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसके अपने पति के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं होती। और फिर फ्रांसिस बाद में अपने खेत में उगाई सब्जियों को बेचने के लिए वहां से निकल जाती है। अब जमीन जायदाद को खरीदने वाला चार्ली डेविडसन उसकी दुकान पर आता है ताकि वो किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए मना सके। उसका मानना होता है कि उनकी जमीन का वहां कोई भी भविष्य नहीं है, लेकिन फ्रांसिस उससे कहती है कि उसका पति इन सब चीजों को देखता है और वो ये कहकर उसको वहां से दूर भेज देती है। फिर सोने से पहले फ्रांसिस अपने बच्चों के कमरे में उन्हें गुड नाइट कहने के लिए जाती है, लेकिन जब वो जैक के कमरे में जाती है तो वहाँ कुछ देर रुकने का फैसला करती है कि यहीं पर रहती हूँ। वो उससे पूछती है कि सुबह क्या हुआ था। जैक को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसके सौतेले पिता इतने सख्त क्यों हैं। तब फ्रांसिस उससे कहती है कि उसे अपने पिता नाथन की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी मुश्किल समय में उन्हें अपने परिवार में जगह दी है। वो अपने बेटे से कहती है कि उसे अपने पड़ोस में नए दोस्त बनाने चाहिए और खुश रहना चाहिए। फिर रात को फ्रांसिस शीशे के सामने तैयार हो रही होती है और उसके बाद वो अपने पति के साथ सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नाथन उसकी हरकतों के लिए उसकी बुराई करता है और कहता है कि खुशी के आगे इंसान झुक ही जाता है। ये सुनकर फ्रांसिस उससे अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन उसकी नींद अब बिल्कुल उड़ चुकी है और नींद आने की वजह से वो खेत की तरफ जाती है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने नौकर के घर चली जाती है। उनका नौकर उसे अपने घर के पास देखता है और उसके चेहरे को छूता है। अब फ्रांसिस को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसको किस करने लगता है तो वो भी उसका साथ देने लगती है। इसी बीच खिड़कियों के जोर जोर से बचने की वजह से नाथन की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर नहीं है और इसी दौरान यहाँ पर फ्रांसिस अपने पति को धोखा दे रही है। इसी बीच जैक भी खराब मौसम की वजह से उठ जाता है। वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो उसको एक बड़ी सी चमकदार बॉल उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो एक मेटेरॉइड होता है जो उनके बगीचे में गिरता है और उसके गिरते एक धमाका होता है। फिर जैक सबसे पहले उस मेटेरॉइड के पास पहुंचता है और देखता है कि एक चमकदार पत्थर जमीन पर गिरा हुआ है। फिर वो उसको देखते ही अपने पड़ोसी डॉक्टर फोर्ब्स को वहां बुलाकर लेके आता है। यहां नाथन और फ्रांसिस भी अपने घर से बाहर आते हैं। तब नाथन फ्रांसिस को अपने नौकर के घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया है। और अब फ्रांसिस रोते हुए अपने पति के पीछे उस मेट्रोइड तक जाती है। डॉक्टर फॉर्ब्स गड्ढे के अंदर जाता है ताकि वो उस पत्थर को पास से देख सके, और जब वो उसके पास जाता है तो उसको पता लग जाता है कि वो पत्थर बहुत ही ठंडा है। वो उस परिवार को बताता है कि ये मेटेरॉइड उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनको सलाह देता है कि उससे दूरी रहे और जब तक इसकी जांच ना हो जाए इसके पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। अब डॉक्टर फॉर्ब्स नाथन और फ्रांसिस के बीच की परेशानी को देखता है, इसीलिए वो उनको अलविदा कहकर अपनी पत्नी के साथ वहां से निकल जाता है। अगले दिन चार्ली डेविडसन डॉक्टर फॉर्ब्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसको पता लगता है कि वो प्रकृति को बचाने वाली संस्था को मेटेरॉइड की जांच करने के लिए बुलाने वाला है, लेकिन वो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। अब चार्ली को डर है कि मेटेरॉइड के बारे में पता लगने के बाद लोग उनके शहर की जमीन को नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से उसको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। वो फॉर्ब्स से कहता है कि वो खुद उस पत्थर की जांच करे और देखे कि उसे किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत है कि नहीं। उसी दिन डॉक्टर फॉर्ब्स डेविडसन और किसान का परिवार मेटेरॉइड के पास इकट्ठा होते हैं, जो रातों रात छोटा हो गया होता है। जैक उन सभी को बताता है कि रात को उसने देखा कि कैसे वो पत्थर अंदर से चमक रहा था और कैसे पेड़ उसके चारों ओर चले गए थे। हालांकि उस वक्त कोई हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन वो बड़े लोग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। फॉर्ब्स मेटेरॉइड को एक हथौड़े से ठोकता है और एक अजीब से भूरे रंग की एक चीज उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। फिर बाद में शाम को डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि वो जितने प्रयोग जानता था उसने वो सारे प्रयोग करके देख लिए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं चला है कि मेटेरॉइड से कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं।
तभी चार्ली कहता है कि अगर मेट्रोइड रेडियोएक्टिव नहीं है तो उसके बारे में कोई और बात करने की जरूरत ही नहीं है। चार्ली फिर डॉक्टर की पत्नी से कहता है कि वो अपने पति को बताए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और प्रकृति को बचाने वाली संस्था को ना बुलाए। फिर रात को मेट्रोइड फिर से चमकना शुरू हो जाता है और उसमें से भूरा पानी निकलने लगता है। अब वो पानी नदी में मिल जाता है और मिट्टी उसको सोख लेती है। जैक ये सब होते हुए देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। अगली सुबह फॉब्स किसान के परिवार के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसने पत्थर को गलती से मेट्रोइड समझ लिया और ये पत्थर गलती से एरोप्लेन से गिर गया होगा। और जब वो उनके बगीचे की तरफ आया तो उसने देखा कि वो रहस्यमय पत्थर वहां से गायब हो गया है। अब सभी इस बात पर हंसते हैं सिवाय जैक के, जो इस बात पर यकीन ही नहीं करता। जैक को इस बात का यकीन होता है कि लगातार दो रातों में जो कुछ भी उसने देखा है वो कोई आम बात नहीं है। अब इस बात का पता लगाने के बाद कि उनके खेत सुरक्षित नहीं है, नाथन फिर से कुएं का पानी अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसी दौरान कार्ल विल्स नाम का एक आदमी शहर में आता है। चार्ली डेविडसन उसकी कार को देखता है और दोपहर के खाने के वक्त उसके टेबल पर जाकर बैठ जाता है। चार्ली को पता लगता है कि विल्स इस शहर में ये देखने आया है कि वहां डैम बनने के लिए जमीन है भी कि नहीं, और इन्हीं चीजों के लिए चार्ली ने नाथन को उसकी जमीन बेचने के लिए कहा होता है ताकि पैसे लगाने वाले लोग यहाँ पर कुछ बना सके। हालांकि विल्स डेविडसन को चेतावनी देता है कि अगर प्रशासन को पता लग गया कि कोई उनके काम में पैसे लगा रहा है तो वो एक सेकंड में ही सारा काम बंद कर देंगे। हालांकि चार्ली इस बात पर हंसता है और अपने मेहमान को अपनी कार में पूरा शहर घूमने को कहता है। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वहां रहने वाले लोग उस पर ध्यान न दे। अब यहां दिखाते हैं तो फ्रांसिस खाना बनाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जी लेने के लिए जाती है, पर वो ये देखकर चौंक जाती है कि सभी सब्जियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और देखने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी लग रही हैं, मानो जैसे उनके अंदर रस भरा हो। वो बहुत ही खुश होती है कि आखिरकार उनके खेत में फल उगना शुरू हो गए हैं और वो खाना बनाना शुरू करती है। वो पत्ता गोभी को बीच से काटती है और देखती है कि वो अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई है और उसके अंदर से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा होता है। उसका जी मचलाने लगता है लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और टमाटर को देखती है। जैसे वो उसको काटती है उसमें से भी भूरा पानी तेजी से बाहर निकलता है। अब शाम के वक्त जैक चोरी छिपे अपने पड़ोसी के पाइप में से पानी की बोतल भर लेता है। इसमें डॉक्टर फॉब्स इस हादसे को भूल नहीं पाते और मेट्रोइड के बारे में किसी को न बताने के लिए खुद को इसका जिम्मेदार मानते हैं। उसकी पत्नी उसको बहकाती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों इस बड़े शहर से चले जाएं और ठीक से अपनी जिंदगी जिए। अगर कोई उस अजीब पत्थर के बारे में किसी को बताएगा तो चार्ली डेविडसन उनके इस प्लान को खराब कर देगा और फिर उसका पति भी इसके लिए मान जाता है। अब रात के खाने के वक्त दिखाते हैं तो जैक देखता है खाने के साथ कुछ गड़बड़ है और जब नाथन उसके ग्लास में पानी डाल रहा होता है तो उसको ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि पानी में भी कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। छोटी एलिस भी अपनी माँ से कहती है कि सब्जियों का स्वाद बहुत ही गंदा है, सिर्फ साइरस को कुछ अजीब नहीं लगता पता नहीं क्यों, और वो लालचियों की तरह खाना खाते रहता है। अब माँ अपने बच्चों से कहती है कि वो ये पानी बहुत सालों से पी रहे हैं और पानी के साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि फ्रांसिस खुद भी बीमार लग रही होती है, उसके बाल ठीक नहीं होते और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा छाला दिखाई दे रहा होता है। अब नाथन अपने सौतेले लड़के की शिकायतों को सुनकर बहुत ही आग बबूला हो जाता है और कहता है कि कोई भी टेबल पर से तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उनकी प्लेट और ग्लास पूरी तरह से खाली नहीं हो जाती। बाद में नाथन अपने सेब के पेड़ों को पानी दे रहा होता है और भगवान का शुक्र अदा करता है कि इस बार उनकी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अचानक से उसको साइरस की रोने की आवाज आती है जिस पर एक गुस्से घोड़े ने हमला कर दिया होता है। नाथन और जैक उसकी आवाज की तरफ भागते हैं और साइरस की कांटोदार तारों से निकालने में मदद करते हैं। नाथन कहता है कि हो सकता है साइरस ने घोड़े को डरा दिया होगा, लेकिन वो कहता है कि वो जानवर पागल हो गया है। अब लड़की की चोटों का इलाज करते हुए फ्रांसिस इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो उसके पीछे एक तस्वीर बना देती है। अब वो अपने सपने से जागती है और जैसे ही उसको अपने अजीब व्यवहार के बारे में पता चलता है वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब यहीं खत्म नहीं होता। चार्ली डेविडसन नाथन के घर पहुंचता है ताकि वो एक बार फिर से उसे जमीन बेचने के लिए बना सके। नाथन उससे कहता है कि उसे मिस्टर विल्स और उनके शहर में बांध बनाने की योजना के बारे में सब कुछ पता है। वो अपना खेत कभी नहीं बेचेगा क्योंकि इस साल उनके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगी है। नाथन अपने खेत में से चार्ली को एक स्वादिष्ट दिखने वाला सेब खाने को कहता है। अब चार्ली सेब को खाता है और उसको देखकर उसको बहुत ही गंदा लगता है कि पूरा सेब तो कीड़ों से भरा हुआ है। हालांकि उसकी बात का यकीन न करते हुए नाथन दूसरा सेब काटता है और देखता है कि वो सेब भी कीड़ों से भरा हुआ है। अब एलिस मुर्गियों के पिंजरे में उन्हें खाना खिलाने जाती है, देखती है कि वहाँ बहुत सारे पंख उड़ रहे हैं और मुर्गियां खाने पर बहुत गुस्से से चोंच मार रही होती है और कुछ देर बाद वो लड़की पर ही हमला कर देती है। अब एलिस की रोने की आवाज नाथन और उसके भाइयों को सुनाई देती है और वो सभी भागते हुए मुर्गियों के पिंजरे में जाते हैं। वो मुर्गियों से लड़ते हैं और एलिस को वहां से बाहर निकालकर बचा लेते हैं। अब जैक देखता है कि मरी हुई मुर्गियों के मुंह से भूरा पानी निकल रहा है और एलिस की जांच करने के बाद फॉब्स देखता है कि फ्रांसिस का वजन बहुत ही कम हो गया है और वो ठीक भी नहीं लग रही है। फिर वो उसको अपने क्लिनिक में बुलाता है लेकिन उसका पति उसको घूर रहा होता है जिसकी वजह से वो इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती।
अब शाम के वक्त पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। नाथन बड़बड़ाता है और उस कंपनी पर केस करने के लिए वादा करता है जिसने उनकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब फ्रांसिस को दिखाते हैं तो बड़े जंगली तरीके से उसकी जुराब को सिल रही होती है और टीवी की एक धुन गुनगुना रही होती है। वो एक बार फिर से दर्द की वजह से रोने और चिल्लाने लगती है और उसका परिवार देखता है कि उसने जुराब को सिलते हुए जबरदस्ती अपने हाथ में सुई घुसा ली है। जैक और नाथन उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको धक्का देकर अपने आप से दूर कर देती है। अब आखिरकार साइरस और उसके पिता किसी तरह फ्रांसिस को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़कर कमरे में लेके जाते हैं। बेचारा डरा हुआ जैक डॉक्टर को बुलाता है ताकि वो उसकी माँ को ठीक कर सके, लेकिन जैसे फॉब्स उनके घर पहुँचता है नाथन और साइरस दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जैसे डॉक्टर वहाँ पर आता है तो नाथन जैक के चेहरे पर न्यूज़पेपर से मारता है। वो उसे मना करता है कि किसी भी बाहर के आदमी को उससे बिना पूछे परिवार की परेशानियों के बारे में न बताए। अब वापस घर जाते हुए डॉक्टर फॉब्स देखता है कि उनके पड़ोसियों के कुएं में एक अजीब सा भाप निकल रहा है। फिर वो जांच करने के लिए थोड़ा सा पानी वहां से लेके जाता है। अगले दिन मिस्टर विल्स नाथन के घर जाते हैं जहां पर फ्रांसिस चाकू हाथ में लिए उस पर हमला कर देती है। हालांकि नाथन अपनी पत्नी को सही समय पर रोक देता है और वो अपनी पत्नी को डरे हुए विल्स से दूर लेके जाती है और नाथन उस बिना बुलाए मेहमान को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मेहमान भी वहां पर रोकना नहीं चाहता और भाग जाता है। अब इस बार फॉब्स आगे जांच करने का फैसला करता है ये जानने के लिए कि उनके पड़ोसी के खेत में चल क्या रहा है। वो पानी को जांच करने के लिए एक लैब में लेके जाता है और एक डॉक्टर उसको बताता है कि पानी की जांच के नतीजे कुछ दिन में मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। फ्रांसिस की तबीयत बहुत ही बिगड़ रही होती है और खाने के टेबल पर वो बड़ी बेतुकी बातें कर रही होती है। वो खाना अपने हाथों से खा रही होती है और उसका पूरा चेहरा लगभग छाले से भरा हुआ होता है। नाथन और साइरस उसकी इस हालत को नजरअंदाज कर देते हैं और जैक अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होता है, इसलिए वो खाने के टेबल से उठकर चला जाता है। हालांकि नाथन उससे कहता है कि वो अपनी बहन के लिए खाना उसके कमरे में लेके जाए, लेकिन जैक छुपके से खाने के टॉयलेट में फेंक देता है। अब खलियान में दिखाते हैं तो वहां पर नाथन देखता है कि उसके जानवर जिंदा सड़ना शुरू हो गए हैं और ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। ये वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर कुछ कीड़े उसके जानवरों के अंदर से निकलकर उछलते हुए किसान और उसके बेटे के ऊपर गिर जाते हैं। साइरस के चेहरे पर भी छाले आना शुरू हो गए होते हैं। अब रात को नाथन अपने बेड से बंधी पत्नी के बगल में बैठा होता है और बाइबल में से कयामत के चार घुड़सवारों के बारे में पढ़ रहा होता है। नाथन को इस बात का पूरा भरोसा होता है कि ये सब फ्रांसिस के पापों की वजह से हो रहा है। नाथन को तो नींद आ जाती है और उसकी पत्नी किसी तरह अपने आप को खोल लेती है। फिर सीढ़ियों के नीचे से अजीब सी आवाजों को सुनकर जैक देखने जाता है कि नीचे चल क्या रहा है और अचानक से फ्रांसिस उसके सामने आ जाती है। उसका पूरा चेहरा पस से भरा हुआ होता है और उसके बाल भूरे हो गए होते हैं और काफी बाल झड़ भी गए होते हैं। फ्रांसिस चिल्लाती है और अपने लड़के पर एक लोहे की रॉड से हमला कर देती है। अब नाथन उसकी आवाज को सुनकर उठ जाता है और बाइबल की बातें बोलते हुए जबरदस्ती अपनी पत्नी को घसीटकर तहखाने में लेके जाता है। साइरस भी ये सब देख रहा होता है और वो पागलों की तरह हंसते हुए अपने पिता से कहता है कि उन्हें फ्रांसिस को मार देना चाहिए। अब एलिस अपनी प्यारी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही रोने लगती है। फिर पानी की जांच के नतीजे अब लैब से आ चुके होते हैं। लैब का एक आदमी डॉक्टर फॉब्स को बताता है कि पानी में नई तरीके का पदार्थ मिला हुआ है जिसकी वजह से वहाँ का पानी बहुत ही जानलेवा हो गया है, बिल्कुल वायरस की तरह। अब ये सुनते ही वो समझ लेता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फॉब्स लैब से निकलता है और मिस्टर विल्स को कॉल करता है। फिर वो उसको किसान के घर आने को कहता है ताकि वो सारी बातें उसको बता सके। फॉब्स डेविडसन को भी कॉल मिलाता है ताकि वो गंदे पानी के बारे में उसको भी बता सके, लेकिन डेविडसन पहले उसके घर पहुंच चुका होता है। यहाँ चार्ल्स दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वो मिसेस फॉब्स से मदद मांगता है कि वो किसान के परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए मना ले। उसके बाद वो उन्हें सारे पैसे दे देगा और अपना घर बेचने के बाद फॉब्स का आगे का जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। फिर वो दोनों नाथन के घर पहुंचते हैं जहां पर कुछ कुत्ते होते हैं। मिसेस फॉब्स उनसे डरकर अपनी कार की ओर भागती है, लेकिन कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं और दांतों से काटकर उसकी जान ले लेते हैं। डेविडसन उससे बचने के लिए तहखाने में छुप जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अंदर इससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो मैचेस से कमरे में थोड़ी रोशनी करता है, जिसके बाद फ्रांसिस उस पर झपट्टा मारती है और अपने पंजे में उसकी गर्दन मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। और अब जहरीली सब्जियों की वजह से जैक एलिस की रात के खाने के लिए एक दुकान से खरीदा हुआ खाना लेके आता है और अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद वो अपनी माँ से मिलने तहखाने में जाने का फैसला करता है। वहां पर वो अपने सौतेले पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि वो फ्रांसिस को वापस कमरे में लेके जा रहा है। वो लड़के को तहखाने से बाहर लेके जाता है और उसका ध्यान चार्ली डेविडसन की लाश पर नहीं जाता।
फिर नाथन अपने सौतेले लड़के को उसके बैग में रखी चीजें दिखाने के लिए मजबूर करता है, जिसके अंदर उसको बहुत सी साफ पानी की बोतल मिलती है और उनको देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब नाथन जैसे ही रोशनी में आता है तो जैक देखता है कि उसके चेहरे पर भी काले छाले आ चुके हैं और उसकी आंखें भी जंगली हो गई है। फिर जैक अपने सौतेले पिता को समझाने की कोशिश करता है कि उनके कुएं का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पर हमला कर देता है। जब वो लड़के का पीछा कर रहा होता है तब नाथन का पैर एक कुर्सी में फिसलता है और वो गिर जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए जैक वहां से भाग जाता है। एलिस को उसके दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलती है। उसके दरवाजे पर साइरस खड़ा होता है जो पूरी तरह से एक राक्षस में बदल चुका है। जैक अपनी बहन को बचाने के लिए आता है और एक बैट से अपने भाई को मारता है। उसके बाद वो एलिस को कपड़े रखने वाली अलमीरा में छुपा देता है और उसे तब तक के लिए छुपने के लिए कहता है जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। अब इसी दौरान नाथन सारे दरवाजों को मजबूती से बंद कर देता है और फर्श के नीचे से काफी धुआं निकलना शुरू हो गया होता है। डॉक्टर फॉब्स पीछे के दरवाजे से घर में घुसते हैं, लेकिन नाथन उसको देख लेता है और एक हथौड़े की मदद से उसको मार देता है। अब जैक नीचे आता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सौतेला पिता एक बार फिर उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अब जैक उनके पैरों के बीच में लात मारकर भाग जाता है, लेकिन वो डॉक्टर फॉब्स के शरीर से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर नाथन अपने सौतेले लड़के को घर में कोने में पकड़ लेता है और जैक को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अचानक से मिस्टर विल्स वहां पर आ जाते हैं और नाथन को घास इकट्ठा करने वाले नुकीले डंडे से मार डालते हैं। अब अचानक से घर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और जैक और विल्स एलिस को लेने के लिए भागते हुए ऊपर जाते हैं और इसी बीच साइरस जाग चुका होता है और वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का देता है। अब घर से बाहर निकलने के बाद विल्स एलिस के लिए भागता हुआ अपनी कार के पास पहुंचता है और जैक अपनी माँ को ढूंढने जाता है, लेकिन उसकी माँ पूरी तरह से राक्षस में बदल चुकी होती है और अब किसी भी तरह उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। फिर जैक टूटे हुए घर में से भागना शुरू करता है और जैसे ही वो साइरस के शरीर के पास से गुजरता है वो उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त साइरस के ऊपर छत का बड़ा सा हिस्सा गिरता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन इसी बीच नाथन मरा नहीं होता, वो जैक की तरफ उसको थप्पड़ मारने के लिए आता है और जैक अपने सौतेले पिता से बचता हुआ किसी भी तरह उस घास काटने वाले डंडे से उसके शरीर में मार डालता है। अब मिस्टर विल्स लड़की को वहां से निकाल लेते हैं और वो उनको शापित घर से दूर लेके जाते हैं। फिर काफी महीने बीत जाते हैं और न्यूज में जहरीले पानी की वजह से खेत पर हुए इस हादसे के बारे में बताया जा रहा होता है। जो आदमी हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो मिस्टर विल्स होता है और डॉक्टर्स का मानना होता है कि विल्स ने भी वो पानी पिया होता है और इसकी वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो ये भी बताते हैं कि जिस कुएं में जानलेवा पानी था उसे तबाह कर दिया गया है और लोगों को अब कोई भी खतरा नहीं है। मूवी के आखिर में मिस्टर विल्स का सबसे डरावना सपना सच हो जाता है। जमीन के नीचे एक रोशनी दिखाई देती है और जमीन फटती है और एक अजीब सा जहरीला पानी उसमें से बाहर निकलता है। दोस्तों, आपको इस मूवी में सबसे डरावनी बात कौन सी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली मस्त मजेदार मूवी के साथ, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।